ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। राहुल गांधी ने सोमवार को श्रीनगर के से कांग्रेस कार्यालय में तिरंगा फहराकर भारत जोड़ो यात्रा का समापन किया। यह 145 दिन की यह यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। राहुल गांधी ने श्रीनगर के शेर ए कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित सभा को संबोधित भी किया। श्रीनगर में सुबह से भारी बर्फबारी हो रही है, इसके बाद भी कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ और वे यात्रा के अंतिम पड़ाव में पूरे जोश और उत्साह के साथ बर्फबारी के बावजूद डटे रहे, जिन्होंने राहुल गांधी के इस 145 दिन की यात्रा को सफल बताया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा जिस भी राज्य से गुजरे वहां के कार्यकर्ताओं को नए उत्साह से भर दिया है। यात्रा के समापन पर राहुल गांधी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए यात्रा के बारे में लोगों को जानकारी दी। जिसने हिंसा नहीं देखी है उसे ये बात समझ नहीं आएगी। जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने हिंसा नहीं देखी। डरते हैं? नहीं डरते हैं, देखिए डरते हैं। यहाँ पे हम 4 दिन पैदल चले, मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूँ कि बीजेपी का कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता। और इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग, इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग उनको चलने नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि वो डरते हैं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।